मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर यूपी से बाहर रह रहकर जीवन यापन कर रहे मजदूरों के घर वापसी के लिए चलाई जा रही तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात से मजदूरों को लेकर मंगलवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। ट्रेन से करीब 1134 यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन और जीआरपी व आरपीएफ के अधिकारियों की मुस्तैदी से सभी यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग करवाया गया। उसके बाद जिलावार लगाए गए रोडवेज की बसों से उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया गया। रेलवे स्टेशन पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एसडीएम सहजनवा अनुज मलिक, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित के अलावा एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्पेशल ट्रेनों से आए यात्री एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी व एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने कहा, ये भरेंगे या इसको देखेंगे कैसे पे कुछ भी होगा इसको फॉलो करने का काम है। कब चले वहाँ से? शाम को 7:30। कल किराया भी लगा हुआ है। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कानपुर। कहाँ से? गुजरात। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे संत कबीर नगर।
स्कैनर के पास ही काउंटर बने संख्या नोट कराना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी गण से अनुरोध किया जाता है वहाँ जाएंगे कि यात्रियों को ले जाने के लिए जिन बसों की व्यवस्था की गई है उनके मार्ग व आने जाने की सुविधा को देखते हुए अपनी गाड़ी गेट नंबर 4 के सामने पार कराने का परिवार की सुरक्षा की हमारा दायित्व है। जब तक जीआरपी अथवा आरबीआई यात्री बंधु ध्यान दे आइए कुछ लोग आगे आ जाइए आइए।
किस नंबर लाइन से जाइए, लाइन से जाइए, किस नंबर हमने नहीं करवाया था कि इधर दौड़ के कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, नंबर क्या है? ये बलिया देवरिया वाले कितने हैं? बलिया देवरिया वाले 21-22-23 नंबर बस में जाएंगे। बलिया वाले 21-22-23 नंबर बस में जाएंगे। आजमगढ़ वाले 25-31 नंबर बस में जाएंगे। प्ले स्टोर खोलो, प्ले स्टोर जाकर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, डिटेल लिखो आरोग्य, ये स्पेलिंग है, आरोग्य इसको इंस्टॉल करो। नागेश कुमार गोधरा आहिंदाबाद से आ रहे। कितना देर, कितना घंटा लगा यहाँ पे आने में? मालूम नहीं। घर कहाँ आपका? रायबरेली यूपी में, उधर रायबरेली। रमेश चंद्र पाल, अभी आई है ट्रेन जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई, गुजरात। वहाँ पे क्या करते थे आप? पानीपुरी का धंधा करते थे। कितना घंटा लगा यहाँ तक आने को? कल 8 बजे निकले थे शाम को नड़िया से। कहाँ जाएंगे अभी? अभी हम जाएंगे जालौन डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। 57 बसें लगी हैं। कहाँ कहाँ तक जा रही हैं? अभी यूपी के सभी जिलों में जा रही हैं लगभग। जी जी, पटरी द्वारा व्यवस्था निःशुल्क है जी। आज अभी नडियाड गुजरात से ट्रेन यहाँ पर पहुँची है, इसमें करीब 1371 यात्री होने की बात है। और यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए और इनके कंफर्ट के लिए कुछ व्यवस्थाएं हमने की हैं। सबसे पहले यात्रियों को कोचवार नीचे उतारा जाएगा। जो यात्री अपने अपने सर्कल में जो पहले से ही मार्क्ड है वहाँ पर खड़े रहेंगे और फिर थर्मल स्कैनिंग सेंटर पर आएंगे। यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, बसे में बैठेंगे और अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। इसमें विशेष बात का ध्यान रखा गया है कि यात्रियों को सुविधा रहे और बहुत ही तेज़ी से उनको कंफर्ट के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जा सके। साथ ही साथ हमने आज ये व्यवस्था भी की है, जीआरपी ने यहाँ पर गोरखपुर के विनायक हॉस्पिटल और आहार सेवा ट्रस्ट के साथ मिलकर हमने जो यात्री यहाँ पर उतर रहे हैं उनके लिए रोटी सब्जी की और बिस्किट और अन्य साबुन की, इन सब चीज़ों की व्यवस्था भी की है ताकि यात्रियों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और इसके पहले भी जो दो ट्रेनें यहाँ पर आई थी उसमें भी हमने मिलकर अपनी तरफ से फल और पानी बंटवाया था। यहाँ पर ये जो ट्रेन आई है उसमें यूपी के विभिन्न मंडलों के यात्री हैं, बहुत सारे ज़िलों के यात्री हैं, इवन आगरा मंडल से लेकर मेरठ मंडल और बहुत दूर दूर के यात्री इन ट्रेनों में आए हैं। ये नाडियाड से ये ट्रेन आई हुई है, 1134 यात्री हैं, सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग करके आ रहे हैं। गोरखपुर स्टेशन पे इन यात्रियों का पूरा डिटेल नोट किया जा रहा है, नाम पता मोबाइल नंबर, कहाँ जाना है इनका, क्या किस तरह के कारीगर हैं, ये सब डिटेल नोटने के बाद स्कैनिंग करते हुए इन लोगों को बसों के माध्यम से संबंधित जनपद में भेजा जा रहा है। ये यात्री कई मंडलों के हैं, कोई गोंडा के लिए है, कोई यहाँ गोरखपुर का है, कोई आगरा का है, इस तरह से विभिन्न जनपदों के यात्री हैं। इनका रिकॉर्ड कराने के बाद इन्हें बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। 1134 यात्री इस ट्रेन में आए हैं। जांच के लिए 13 काउंटर लगे हुए हैं।